चार दो बस, चार्ज नहीं किया आज। दूसरी बैटरी रेडी रखो, दूसरी बैटरी का है, मेरे को देके जाना दूसरी बैटरी, गया आज तो। चलो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, एसी बाद में करेंगे, पहले ईएमआई से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या करेंगे कि करंट कैरिंग लूप, अगर मान लो करंट कैरिंग लूप है, हमने अभी तक ये किया कि अगर एक वायर में करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो इट विल जनरेट अ टॉर्क, तो वो घूमेगी। लेकिन इस चैप्टर में उल्टा होगा, इसके अंदर अगर टॉर्क हम जनरेट करें एक वायर में, एक लूप में, और वो किस में पड़ा हो लूप, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या जनरेट होगा, करंट। उल्टा भी ट्रू है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कॉइल को घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें ऑटोमेटिकली करंट अपने आप इंड्यूस हो जाएगा या जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इसमें ये स्टार्ट कहाँ से है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह काम करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट टी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या था, ई डॉट टी एस, ई डॉट डी एस, बी डॉट टी एस सेम है। फ्लक्स का फॉर्मूला वेबर, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, वन वेबर इज वन टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और सी जी एस यूनिट में फ्लक्स के यूनिट्स मैक्सवेल, वन वेबर में 10^8 मैक्सवेल। ये रूल क्लियर है यहाँ तक, फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आएगा कि डिस्कस करो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं कि अगर मान लो इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर है, इस तरफ है, ठीक इस तरफ है, कॉन्स्टेंट है, और ये एक लूप है, कोई करंट नहीं इसमें, खाली लूप है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और मान लो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 है, मतलब 100 लाइनें इसमें से परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। मैं इसे घुमाता हूँ 100, 70, 60 करते करते 0, इसमें फ्लक्स 0 हो गया। फिर मैं घुमाता हूँ फ्लक्स 10, 20, 30, 40, 100, तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो कॉन्टिन्यूसली जब तक घुमाते जा रहे हो, इसका फ्लक्स क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, कोई डाउट इसमें। तो फैराडे ये बोलता है कि अगर किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, उसने ये नहीं कहा इंक्रीज होता है, उसने ये नहीं कहा डिक्रीज होता है, उसने कहा चेंज होता है, इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज। तो अगर किसी भी कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगी, ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो चाहे फ्लक्स बढ़े तो भी जनरेट होगा, चाहे फ्लक्स कम हो तो भी जनरेट होगा, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, जब भी किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, एन ईएमएफ, एन करो यहां एन, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, तब तब उसमें क्या जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग, ये ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा। अगर आपने कॉइल को रोक दिया, फ्लक्स 100 का 100 रह गया, अब इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, ठीक। सिर्फ यही नहीं, अगर सपोज करो मैं एग्जांपल ऐसे लूं कि सपोज आपके पास ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये सॉरी इसमें एक सिंपल कॉइल है, करंट नहीं है इसमें, या एक लूप है, इसके पास आप एक मैग्नेट को लेके आ रहे हो नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नेट की जो लाइंस हैं वो इसमें से क्रॉस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे जैसे आप मैग्नेट को पास लेके आएंगे नंबर ऑफ लाइंस उतनी ही ज्यादा क्रॉस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस केस में जैसे जैसे नॉर्थ पास आ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी तो हम बोलेंगे लूप का फ्लक्स बढ़ गया, और जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगी फ्लक्स कम होगा, पास आएगी फ्लक्स बढ़ेगा, क्लियर यहां तक। तो फ्लक्स की वैल्यू इसमें बढ़नी स्टार्ट होगी, तो इसमें करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा। अब वो कितना होगा वो फैराडे का सेकेंड लॉ बताएगा, फिलहाल तो इस पर डिस्कशन है कि होगा या नहीं होगा, तो इसमें इंड्यूस करंट जनरेट
होगा जब आप मैग्नेट को पास लेके आएंगे या दूर लेके जाएं, दोनों केस में होगा। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी फेराडे की, लैब में काम कर रहा था, करंट कैरिंग लूप था और गैल्वेनोमीटर था, गलती से शेल्फ से मैग्नेट गिर गई थी, मैग्नेट गिरते ही क्या हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ उसका और फिर डिक्रीज हुआ, जब मैग्नेट निकल गई तो उसमें करंट जनरेट हुआ। तो वहां से उसको आइडिया हुआ कि जब भी मैग्नेट पास लाएंगे लूप के, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होगा। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसमें एग्जांपल क्या देंगे, एग्जांपल यही दे सकते हैं, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। सिमिलरली जब मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, तो दोनों केस में करंट इंड्यूस होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, फैराडे सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ में वो आपको वैल्यू बताएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये डिस्कस किया गया है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का मतलब कि आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ही ज्यादा ईएमएफ होगी, और जितना जल्दी चेंज होगा, जल्दी का मतलब टाइम कम लेगा, तो भी ईएमएफ ज्यादा होगी। मतलब आपका जो लूप है, ये रहा लूप, अगर फ्लक्स 100 से 0 हो गया तो चेंज इन फ्लक्स 100 माइनस 0, अगर वो 1000 से 0 होता तो चेंज इन फ्लक्स 1000 माइनस 0, तो 1000 माइनस 0 वाले केस में ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 ही करना पड़ेगा, आप फ्लक्स 100 से 0 ही करें, लेकिन चेंज ऑफ फ्लक्स 100 से 0 बहुत जल्दी कर दें, बहुत जल्दी जल्दी इसको घुमाएं, ताकि टाइम उतना ही कम लगे चेंज ऑफ फ्लक्स में, तो ईएमएफ उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए डैम पे जो बिजली बनती है वो ऐसी बनती है, पानी गिरता है बहुत तेज, टर्बाइन घूमती है, कॉइल घूमती है मैग्नेट्स के बीच में, तो चेंज इन फ्लक्स बहुत जल्दी जल्दी होता है, टाइम टेकन बहुत कम है, जिससे कि ईएमएफ बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सेकेंड लॉ की तब मैथमेटिकली ये क्लियर है, और सेकेंड लॉ में कॉन्स्टेंट वन आता है, तो यहां पर क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी। ठीक, तो सेकेंड लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। तो ईएमएफ किसके ऊपर, किसके पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। क्लियर यहां तक? इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब ये मैंने बता दिया आपको, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम, कॉन्स्टेंट वन है, ई इज माइनस डी फाई बाई डी टी। सॉरी, ये माइनस एक्स्ट्रा लगा, मैंने अभी तक बताया ई इज डी फाई बाई डी टी, साइन यहां पर माइनस भी लगेगा। अब माइनस साइन क्यों लगेगा, माइनस साइन डायरेक्शंस के लिए लगता है, इसकी डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे, और यही करने वाले हैं, माइनस साइन क्या शो करता है। माइनस साइन के अलावा ये लॉ क्लियर है, ठीक, मैग्नीट्यूड में क्लियर है कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन क्या शो करेगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे अभी बताऊंगा, लेकिन आपको लिखना कैसे एग्जाम्पल के साथ, जब एक कॉइल के पास मैग्नेट बहुत तेजी से पास लेके आओगे, स्पीड ज्यादा होगी, बहुत तेज लेके आओ, तो उसका फ्लक्स बहुत जल्दी चेंज होगा, और अगर टाइम कम लोगे तो ईएमएफ उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर स्लो लेके आओगे तो फ्लक्स चेंज करने में टाइम ज्यादा ले रहे हो तो ईएमएफ उतनी ज्यादा कम होगी। क्लियर है यहां तक? तो कोई भी फ्लक्स को तेज घुमाओगे या मैग्नेट को तेज लेके आओगे तो ईएमएफ ज्यादा ज्यादा, क्यों, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स में टाइम क्या ले रहे हो, कम, टाइम कम है तो ईएमएफ ज्यादा। निकल, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें नीचे? नहीं, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो लिख लोगे फैराडे सेकेंड लॉ के अंदर, मैथमेटिकल लिखने के बाद कैसे एक्सप्लेन करना है। अब डिस्कशन करते हैं माइनस साइन लगता क्यों है, क्योंकि ईएमएफ के आगे साइन क्या लगेगा यहां पर, माइनस। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए लगता है, और माइनस साइन ये बताएगा कि इस लूप में करंट क्लॉक